आज हम बात करके वैल्यू फॉर मनी कौन सा है, कि आपने को ये 23 लाख रुपए का मॉडल लेना चाहिए या फिर 22 लाख रुपए का मॉडल लेना चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपए का फर्क है लेकिन हमें एक वैल्यू फॉर मनी चीज मिलनी चाहिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हुंडई क्रेटा एपिसोड में। तो हुंडई क्रेटा के जितने भी कंपैरिजन है, बेस मॉडल, सेकंड बेस मॉडल, टॉप मॉडल, सेकंड टॉप मॉडल, सबकी बात मैंने कर रखी थी, लेकिन ये जो कंपैरिजन है थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे सामने ना आप ये लगा लो कि दोनों ही पेट्रोल मॉडल है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो मॉडल है ये ऐसा ऑप्शनल IVT, आप इसको मतलब पेट्रोल का टॉप मॉडल ही बोल सकते हो, ठीक है, मतलब बस ये डुअल टोन नहीं है, वरना ये टॉप मॉडल ही आप इसको बोल सकते हो। और ये अपना भाई टर्बो वाला, यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखो, ये अपना 1.5 टर्बो वाला मॉडल है, ये नॉर्मल अपना पेट्रोल वाला मॉडल है। तब इन दोनों कंपैरिजन में इसलिए कर रहा हूँ कि इन दोनों के प्राइस में लगभग ना 1 लाख रुपए का फर्क आता है। अगर मोटा मोटा बात करें तो लगभग ये अपना 22 लाख के आसपास है और ये अपना 23 लाख के आसपास है। तो 1 लाख रुपये हम इस टर्बो मॉडल को ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन आज हम बात करके वैल्यू फॉर मनी कौन सा है, कि आपने को ये 23 लाख रुपये का मॉडल लेना चाहिए या फिर 22 लाख रुपये का मॉडल लेना चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपये का फर्क है लेकिन हमें एक वैल्यू फॉर मनी चीज़ मिलनी चाहिए। चलो कोई नहीं, 1-2 लाख रुपये ऊपर लग रहे हैं, लेकिन यार अब 10-12 साल गाड़ी चलानी है तो मैं परेशान ना हूँ ना, तो ऐसे कोई मुझे वैल्यू फॉर मनी मॉडल मिलना चाहिए। तो इन दोनों की बात करके कौन सा मॉडल वैल्यू फॉर मनी है, तो अब देखो सीधी सी बात है भाई, 1 लाख रुपये का फर्क है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं मैक्सिमम चार मिनट की वीडियो बना हुआ सिर्फ, क्योंकि इस वीडियो में ना ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, क्योंकि आपको बस पॉइंट टू पॉइंट बता हुआ कि कौन सा मॉडल वैल्यू फॉर मनी, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा मॉडल आपको लेना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, आगे से आप बात करो भाई बिल्कुल सेम DR बात करोगे, बिल्कुल सेम DR देखने को मिल जाते हैं, और अपना ये ड्यूल जोन में लाइट इसमें देखने को मिल जाती है, टर्बो वाले में, नॉर्मल वाले में भी अपना देखने को मिल जाता है, बिल्कुल सेम है। फ्रंट में इसमें भी कैमरा देखने को मिल जाता है, इसमें भी कैमरा देखने को मिल जाता है, यहाँ पे बात करोगे इसमें भी साइलेंट कैमरा और इसमें भी देखने को मिल जाता है, रियर में बात करोगे तो बिल्कुल भाई बिल्कुल सेम देखने को मिलता है, कुछ भी नहीं है, रियर वाइपर अपना सेंसर वगैरह सारी चीज़ें सेम है, बिल्कुल बूट स्पेस भी बिल्कुल सेम है, ये भी नहीं कि कुछ अलग ऐसा कुछ देखने को मिलता है, दोनों का बूट स्पेस भी बिल्कुल सेम हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप बात करोगे तो ये देखो भाई, इसमें भी सेम अपना बूट स्पेस हमें देखने को मिल जाता है। बारिश हुई थी यार, पूरा पानी हो रखा ना यहाँ पे। चलो तो यहाँ पे हम बात करोगे सेकंड रो की बात करोगे तो ये भी बिल्कुल सेम है, पॉइंट बटन कटन वगैरह, यहाँ पे आमरेस मिल जाता है, कप होल्डर, दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं, AC वैन, फास्ट चार्जिंग के पोर्ट, ऊपर में लाइट, ऐसा डैशबोर्ड टर्बो वाले मॉडल का हमें देखने को मिलता है। इस मॉडल की बात करें ऐसा ऑप्शन की तरफ तो इसमें भी बिल्कुल सेम कटन वगैरह आप देख पा रहे हो, और इसमें टाइप सी के पोर्ट, AC वैन, आमरेस और हेडरेस, मतलब बिल्कुल सेम है। इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो फिनिश करता हूँ कि कौन सा मतलब वैल्यू फॉर मनी, और सेफ्टी के दोनों में शेयर बैग हमें देखने को मिल जाते हैं। टर्बो मॉडल की बात करोगे तो इसमें भी भाई ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलता, यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रिक सीट देखने को मिल जाती है, प्रोटेक्शन क्लस्टर, यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट हमें देखने को मिल जाती है, ड्राइव मोड वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल, सारी चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। ये भी आप देख सकते हो, ये भी बिल्कुल सेम हमें देखने को मिल जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ना, तो ताकि टाइम वेस्ट ना होना, जल्दी जल्दी आपको पता चल जाए कौन सा मॉडल वैल्यू फॉर मनी है। तो इसलिए फीचर्स की बात तो मैंने बहुत बार कर रखी है, लेकिन इसमें सिर्फ 4 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगा कौन सा मॉडल वैल्यू फॉर मनी है। अब ये देखो, इसमें भी इलेक्ट्रिक सीट देखने को मिल जाती है, सीट वेंटिलेशन इसमें बिल्कुल सेम है, ठीक है, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आप कुछ भी डिफरेंस नहीं बता पाओगे। अब इन दोनों गाड़ियों में ना सिर्फ और सिर्फ कोई भी ऐसा फीचर का कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पावर का डिफरेंस है। ये अपना 22 लाख का मॉडल है, ये 23 लाख का मॉडल है, 1 लाख रुपये जो हम दे रहे हैं ना सिर्फ पावर का दे रहे हैं, कि जो 1.5 टू दोनों में 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, इन जो टर्बो वाला मॉडल है इसमें पावर ज़्यादा मिलती है। नॉर्मल अपना SX IVT है ये निकलता लगभग 113 BHP और 147 NM का इसमें टोक निकलेगा, इन जो टर्बो वाला मॉडल है इसमें भाई 157 BHP निकलेगा और 243 NM का टोक निकलेगा। तो 1 लाख रुपये जो हम मतलब 1,20,000 मतलब ऐसा कुछ जो डिफरेंस है ना, 1,20,000 का 1 लाख का जो डिफरेंस है वो सिर्फ पावर का है। इसमें आपको पावर ज़्यादा देखने को मिले टर्बो में, वरना फीचर में एक भी चीज़ नहीं है भाई जो ऐसी अलग देखने में मिलती है, सिर्फ और सिर्फ पावर का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो, अगर आपको पावर चाहिए 1 लाख रुपए तो आपको भाई 1 लाख रुपए ऐसा देने पड़ेंगे, लेकिन पावर नहीं चाहिए तो 1 लाख रुपये कम देके वो वाला मॉडल लेना चाहिए, तो ऐसे कोई डिफरेंस है नहीं। लेकिन काफ़ी लोग सोचते हैं कि टर्बो इन दोनों मॉडल में क्या डिफरेंस है, सिर्फ पावर का डिफरेंस है, फीचर का कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ तक कि व्हील अगर आप या भी देखोगे ना तो दोनों सेम देखने में मिल जाती है, ऐसा कोई भी डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा कुछ था रिव्यू, जल्दी से मैंने बात की है, बाकी फीचर बिल्कुल सेम है, सिर्फ पावर का डिफरेंस है। पावर आपको चाहिए तो टर्बो वाला मॉडल ले लो, नहीं चाहिए तो 1 लाख रुपये बचा के अपना नॉर्मल XUV IVT जो मॉडल है वो आपको लेना चाहिए। तो यही था बस आज का रिव्यू, वीडियो से लगे भाई बस लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट में जल्दी, गुड लक दोस्तों, गुड लक।